श्री फतेहगढ़ साहिब में देश का या शायद दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। कोई जब छोटली खेड़ी पहुंचता है तो उसका सामना एक सशक्त और विशाल पेड़ से होता है। यह पेड़ हरे भरे खेतों के बीच में है। छतरी जैसा लगने वाला यह विशाल पेड़ 6 से 7 एकड़ जमीन में फैला है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पेड़ 300 साल से भी अधिक पुराना है। इस पेड़ को कायाकल्प वृक्ष या बरोटी साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बरगद का पेड़ आसपास के किसानों के खेतों में लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है। कई 10-15-20 साल हो गए जी। जाते गोबिंद करते लाले मिण के कहते 4 एकड़ चीज हूँ 6-7 एकड़ चलो एक साल जाओगे 4 सपेरे जिन्नी चली गई उन्नी जट ने जमीन छड़ देनी वड्डनी नहीं। जब भी किसी जमीन के मालिक ने इस पेड़ की जड़ों को काटने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां भी बरोटी साहिब की जड़ें फैली हैं, किसान उन क्षेत्रों का उपयोग खेती के लिए नहीं करते हैं। लोग इस बरगद के पेड़ की लकड़ी और पत्तियों का उपयोग करने से भी डरते हैं। नुकसान एक पत्ता की या बड़ा पत्ता एक डक्का नहीं लिया सकते एक डक्का तोड़ के उत्थे जिन्नी मर्जी जिन्ना भी थोड़ा चित कर दे उन्नी लकड़ फूल असीं भंडारा करते हैं सारा कुछ चलता है लकड़ी तो बाहर नहीं आ सकदे बाहर नहीं आए हैं बंदे उरे लेके गए हैं चक के समान जद जाते अंदर दिखता बाहर आने अन्ने उत्थे फिर गेड़ देने समान किसी की जरूरत नहीं है चकन की। इस पेड़ से एक पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उस दौरान वहां से एक साधु गुजर रहा था। किसान ने साधु से कुछ दिनों तक अपने परिवार के साथ रहने की याचना की। किसान और उसकी पत्नी ने कई दिनों तक साधु की सेवा की। एक दिन किसान की पत्नी साधु को खाना देने गई, वह खुश नहीं दिख रही थी। जब साधु ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो किसान की पत्नी ने बताया कि उसके घर में कोई बच्चा नहीं है और वह चाहती है कि उसे एक बच्चा हो। ऐसा कहा जाता है कि जब वह साधु को अपना दुख सुना रही थी तब साधु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। साधु ने उसे कोई दिव्य चीज खाने के लिए दी और कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब किसान की पत्नी घर लौटी तो उसने अपने पति को सारी कहानी बताई। किसान को भरोसा नहीं हुआ और उससे कहा कि इन चीजों से उन्हें बच्चा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने उस साधु के दिए पवित्र राख को खेतों में फेंकने के लिए कहा। यह माना जाता है कि यह बरगद का पेड़ उसी स्थान पर है जहाँ पवित्र राख फेंकी गई थी। जिहड़ा ये दरख्त है ये बड़ी तेजी नाल आले दुआले नूं वध रहा है और जिवें बजुर्गों की 100 साल 80 साल 70 साल बाद अपनी इंसान की मौत होंदी है उस तरीके जिहड़े पिछले टाणे ने वो टाणे टुटते जाते हैं सुकते जाते हैं नवें दरख्त जिहड़े अगे अगे तो अगे जड़ियां लग के ये अगे वधी जांदा। अज तकरीबन यह जिहड़ा दरख्त है यह 13 तो लैके 15 बिघे के बिच बिच जिहड़ा इहदा घेरा अपना बनया होया जिहड़ा कि बहुत विशाल है। ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरह इस पेड़ की जड़ें लगातार फैल रही हैं उसी तरह किसानों का परिवार भी बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि अगर बरगद के पेड़ के सामने कोई कामना की जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ग्रामीण इस विशाल बरगद के पेड़ को वर्षों से सिद्ध बाबा बरोटी साहिब के रूप में पूजते आ रहे हैं। यह कायाकल्प वृक्ष अब कई पक्षियों का घर है। छतरी के जैसा बरगद का यह पेड़ पक्षियों से भरा है जिनकी चहक सबका ध्यान आकर्षित करती है। यह बरगद का पेड़ स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।